तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोइंग भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम गंगाधर राव कला मंच देख लो। अभी यहाँ पर तो कोई काम चल नहीं रहा सजावट का, टेंट वगैरह बनना लग जाते थे अगर प्रोग्राम इधर होना था तो लगेंगे, अगर देखते हैं कब तक लगते हैं और देखते हैं कि झांसी महोत्सव की कितनी तैयारी हो चुकी है। मैंने पहली वीडियो में दिखाया था कि भाई झूले स्टार्ट लगना हो ही रहे थे और अब देख लो बहुत चेंज आ गया यार, बहुत चेंज देख लो भाई, अलग ही एक अलग ही माहौल है यार अपने, अगर थोड़ी थोड़ी देरों में कितना चेंज आता। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं हम आपको। वो देख लो यहाँ पर इस बार ऐसा एंट्री गेट बन रहा इस साइड की तरफ, पहले इधर को बना था। तो दुकानें लग रही हैं, दुकानें खरीदी भी गई हैं, तो सब कुछ पूछ के बताएंगे आपको कि दुकानों का क्या रेट है और मतलब दुकान मिलेंगी मेला में तो क्या पैसे लगेंगे, उसके क्या चार्ज लगेगा। तो देख लो दुकानें बहुत सारी लग गई, बहुत सारी दुकानें लगी यार, बहुत सारी। ओ भाई झूले यार, यही तो जान है झांसी महोत्सव की, देख लो झूले, वो कितना तगड़ा माहौल है भाई, तगड़ा वाला एकदम। नाव वाला झूला जब लग रहा था और इसकी टिकट 50 रुपये की लिख भी दिया, तो देख लो यहाँ पर डांसिंग कार या पता नहीं कौन सा झूला लग रहा है, पूछ के बताते अपे भी झूला की ये जीवाली कार रखी है उसकी, देख लो भाई अलग ही माहौल है यार, कितना मस्त लग रहा भाई, वाइट वाइट का। इस बार का झांसी महोत्सव बहुत धूमधाम तकड़ा वाला लगने वाला है। ये देख लो नाव और ये रिंग वाला झूला बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा होने वाला है। ये देख लो ये भी झूला है सामने, मस्त है भाई ये वाला झूला भी, बहुत तगड़ा लगता है भाई झूलने में। ये इसकी टिकट देखते हैं कितनी लिखी है, अभी तो टिकट 50 रुपये लिखी है, ओनली 50। ये वाइट काउंटर से इन्होंने जो दुकान का शेप दिया बहुत तगड़ा वाला दिया भाई, लोग एकदम गदर लग रहा है यार, एकदम गदर। वापस से वहीं पे आ चुके हैं, ये झूला और लग रहा है अभी, ये झूले पे काम चल रहा है अभी, तो बहुत काम चलेगा अभी तो। और कौन सी तारीख से चालू हो रहा? 10 तारीख से। ये लोग पहले कह रहे थे 8 तारीख से, 10 से कह रहे हैं, 10 से 11 नहीं 10 से 1 महीना चलेगा, मतलब 1 महीने तक चलेगा। हाँ 1 महीने तक तो चलेगा, वो तो ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा चलेगा। आप लोग आएंगे हो कि बाहर के हो? कहाँ के? दिल्ली से आए हो? इस बार दिल्ली वालों को तो मिला है ना टेंडर। चलो आगे चलते और दिखाते हैं आगे क्या क्या है, अभी बाकी पूरा दिखाएंगे हम आपको झांसी महोत्सव, तो भाई एकदम धमाकेदार चीज दिखाएंगे आपको। और देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल कर लो फटाफट से, यूँ ही चुटकी में पूरा झांसी महोत्सव दिखाएंगे हम यूँ ही। यहाँ पर भाई लोग खाना भी बना रहे हैं, ये दुकानें देखो लगातार लाइन से कितनी भयंकर लग रही हैं यार, और मस्त लग रहा है भाई, इन्होंने इस तरीके से चद्दर बिछा रखे। ये उसके दुकान के जो टेंट होते हैं वो आएंगे ये पूरे, और दुकानें देखो कितनी ज़्यादा हैं, कितनी ज़्यादा दुकान है भाई, कितनी ज़्यादा दुकानों का रेट भी पता करते हैं कि क्या रेट से दुकान मिल रही है। और बहुत से सब्सक्राइबर हमारे पूछ रहे थे कि भाई कमेंट कर करके पूछते हैं, वहाँ पे ऑफिस बना है वहीं पे चल रहा है, और पूछते हैं कि दुकान का रेट क्या आएगा भाई। बहुत सारे झूले लगने हैं अभी तो। अंकल जी वो दुकानें चाहिए, दुकान मिल जाएगी क्या? दुकान चाहिए, कोई भी दुकान मिल जाए। अच्छा रेडीमेड का काम है? हाँ रेडीमेड का काम है। ठीक है आप आइए फिर बताएंगे आपको दुकान। अरे तो प्राइस ही नहीं बता रहा आदमी, एक हिसाब तो दो कितना। सब रेडीमेड है, सब रेड, ये खट्टे बना दिए बिल्कुल साँचे के साँचे, सीधे उठा के घिसका दिया उन्होंने बढ़िया, बीच में चार ये कर दिए तो चार दुकानें हो गई, ये चार स्टॉल जो होगा। ये देख रहे हैं आप, यही होती दिल्ली वालों की कलाकारी। तो जो दुकान का प्राइस है उन्होंने मतलब क्या किराए से देंगे वो तो उन्होंने बताया नहीं अभी, लगभग वैसे 50,000 से ऊपर ही ऊपर है मुझे सुनने में आई, मैंने एक जो एक दो जनों से पूछा उन्होंने 50,000 की ऊपर ऊपर की बता रहा है भाई दुकान। एक आप आके कंफर्म कर लो भाई, सबसे बड़ी आपके लिए रहेगा कि किसके लिए, मैंने कपड़े की बता दी, मैंने मुझे तो लगानी नहीं थी, अंकल पूछ रहे थे कि भाई किस लिए लेनी दुकान, तो हमने कह दी कपड़े की है इस चक्कर में। एक बार भैया लोगों से बात करके देखते हैं अपन लोग, झूला भाई ऐसी मेहनत, इतनी मेहनत कर रहा है झूले में। ये कौन सा झूला लग रहा? स्टेयरिंग कार,
ये देख लो आप पूरा इस तरीके से कुछ रहा मेला भाई, मस्त है एकदम, गजब है। दिखाते हैं और अच्छी तरीके से आपको। और एक चीज़ बता दें, इस बार का जो झांसी महोत्सव है बहुत गदर वाला लगने वाला है, क्योंकि आप देख के पहचान जाओगे। अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं हुई कि कब तक ये पूरा फाइनल लगेगा भाई। कोई फाइनल डेट हो जाए तो पता चल जाए। अभी 11 तारीख कहने लगे, अब उस दिन 8 कह रहे थे, अब 10 हो गई, अब 11 हो गई। हमें तो लग रहा थोड़ा और लेट हो जाएगा। तो अभी हम हैं झांसी महोत्सव में और झांसी महोत्सव लग रहा है, तो देख लीजिए पीछे हमारे ये नाव वाला झूला लग गया और रिंग वाला झूला भी बाकी है लगना। और देख लो भाई कितनी सारी दुकान है, पूरा इतना मस्त लग रहा है। इस बार दिल्ली वालों को जो टेंडर मिला बहुत ज़बरदस्त मिला और बहुत मज़ा आ रहा है भाई झांसी महोत्सव में। मैंने जितनी भी दुकानें देखी एकदम हटके लग रही हैं इस बार, और झांसी महोत्सव भी बहुत मस्त लग रहा है। आप देखते जाओ भैया, मेला कब से चालू होगा अपना ये? हाँ लग नहीं रहा, मैं 10 तारीख तक, जिस हिसाब से काम चल रहा है ना, आप अपने हिसाब से कितनी तारीख तक? 15 तक पूरा हो जाएगा। पूरा पेंट करते हैं सारे झूलों पे? सही है भाई। ये वाला कौन सा झूला लग रहा है? ये हाँ जॉइंट व्हील है। चलिए भाई करते रहिए यार, कितनी बार देखते जाए हमें, देखते हुए मन ही नहीं हट रहा, फिर भी देखने का मन कर रहा भाई। झांसी महोत्सव है ही ऐसी चीज़ जो कुछ कहीं ना जाए, इतना मस्त लगता है झांसी महोत्सव देखने में ही। और आज मैंने सुबह सुबह 8 बजे पतंग वाला ब्लॉग अपलोड कर दिया है, तो जाके देखिए भाई फटाफट, बहुत सारा प्यार दिखाइए। और हाँ, जैसे पिछले साल आपने झांसी महोत्सव की वीडियो में प्यार दिखाया था, उसी तरह आपको दिखाना है पिछले साल की वीडियो में। 50K होने ही वाले हैं, तो भाई उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको, और आपकी वजह से ही आज मेरे 50K होने वाले हैं उस वीडियो पर। जाइए और दोबारा देखिए जिसने नहीं देखी हो, मैं एंड स्क्रीन में आपको लगा दूंगा। तो फटाफट चलते हैं और पतंग लेते हैं और दिखाते हैं एक बार आपको ऊपर से व्यू। यहाँ से बढ़िया व्यू आता है, इसलिए मैं ऊपर से जा रहा हूँ, गंगाधर राव कला मंच के उधर। ये देख लो ऊपर से एक बार, इतना मस्त व्यू आता है भाई। मैं फटाफट जल्दी से चल रहा हूँ और मुझे पतंग लेनी है, तो पतंग ले कर घर पर मिलते हैं, उड़ाएंगे बेहतरीन वाली पतंग। पतंगबाजी बहुत कर रही कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने पतंग उड़ाना स्टार्ट कर दी है। अब पिछले लॉकडाउन में मैं उड़ाता था और इस साल सीधे 1 साल बाद उड़ा रहे हैं, तो बस जाके देखो भाई वो पतंग वाला व्लॉग है, उस पर भी प्यार दिखाओ भाई। एंड स्क्रीन में ज़रूर लगा दूंगा, और तो साथ ही साथ आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, अगर मज़ा आ जाएगा भाई। तो देख लो जस्ट अभी हमने पतंग ले ली, अब चलते हैं सीधे घर और मिलते हैं आपको घर पे सीधे।